हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5 किया था। मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मीन कैलकुलेट किया था, मीडियन कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया एंड देन स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट किए थे। अब यहाँ पर हमने मीडियन क्यों कैलकुलेट किया था, वो मैंने आपको बताया था कि आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का कंबाइंड फॉर्मेशन दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको होमवर्क में दूंगा। सेम जैसे हमने 5 किया वैसा ही सेम क्वेश्चन 6 है, सेम क्वेश्चन 7 है। यहां पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये पूरे के पूरे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे हमने मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, वहाँ जैसे वहाँ किया था वैसे यहाँ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में भी मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। अब आप पूछोगे कि मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन नंबर 6 में क्यों कैलकुलेट करें। सो देखिए, एक क्लास इंटरवल है ना, वो अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ये देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन सिक्स। अब 0 to 2 मीन्स 2 का इंटरवल है, 2 to 6 4 का इंटरवल, 6 to 12 6 का क्लास इंटरवल। तो जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तो हमें मीन कैलकुलेट करना है, देन मीडियन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बाकी आगे स्क्यूनेस या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर ये इक्वल होते तो हम मोड कैलकुलेट कर लेते। सो आज के होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। सेम कॉलम्स बनेंगे, मिड वैल्यू, एफएक्स, एफएक्स स्क्वायर एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। The temperature in Celsius at a tourist place for 60 days in the year 14 is as follows. Using information, find skewness and its coefficient by Carl Pearson's method. State the type of skewness. Method आपको बता दिया है Carl Pearson's, और type हमें बताना है। Type means positive skewed है या negative skewed है, इतना ही बताना है हमें। अब यहाँ पर भी आप क्लास इंटरवल देखिए, अनइक्वल है। 11 टू 19 8 का क्लास इंटरवल है, 19 टू 23 4 का क्लास इंटरवल, 23 27। सो जब भी अनइक्वल क्लास लेंथ दिया हुआ हो तो हमें कैलकुलेट करना होता है मीडियन, मोड कैलकुलेट नहीं होगा। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा मीन कैलकुलेट करना है। मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। नाउ ये सब मैंने सेवन्थ नंबर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ माइनस नंबर्स भी दिए हुए हैं। सिक्स आपको होमवर्क में इसलिए दे दिया, थोड़ा इजी है क्योंकि सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। सो आइए लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाई 2 करेंगे। -3 + -1 डिवाइड बाई 2। सो -3 - 1 - 4 - 4 / 2 -2, और ये जो होगा -2 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखेंगे। नाउ -1 and +5 तो ये हो जाएंगे 4 / 2 तो +2 डिग्री सेल्सियस। ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये डिग्री के लिए लिखा जाता है। 5 + 11 = 16 / 2 = 8 11 + 19 = 30 / 2 सो 15 डिग्री सेल्सियस। 19 + 23 = 42 / 2 21 डिग्री सेल्सियस एंड 23 + 27 / 2 25 डिग्री सेल्सियस। सो ये है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद हमें एफएक्स कैलकुलेट करना होगा। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा। सो 4 - 2 - 8
अब हम डिग्रीज नहीं लिखेंगे यहाँ पर, आंसर में फाइनली डिग्रीज लिख देंगे। 14 इंटू 2 प्लस 28, 20 इंटू 8 160, 15 इंटू 14 टू 10 ये भी पॉजिटिव होगा, 21 इंटू 5 105 एंड 25 इंटू 3 75। अब हम टोटल कर लेते हैं, 75 प्लस 105 प्लस 210 160 28 माइनस 8, तो आंसर आ गया 570। ऊपर डिग्री लिख देता हूँ, हर एक में भी डिग्री अलग से लिख सकते हैं हम यहाँ पर। सो पॉजिटिव नंबर्स प्लस किए, नेगेटिव नंबर माइनस किया, आंसर आ गया 570। 570 डिवाइड बाय एन, एन मीन्स जो एफ का टोटल होगा 4, 14, 20, 14, 5 एंड 3, सो एन इक्वल्स टू 60 हो जाएगा यहाँ पर, सो डिवाइड बाय 60। सो नाउ 570 डिवाइड बाय 60, तो आंसर आ रहा है 9.5 एंड हम 9.5 डिग्री लिख देंगे, 9.5 डिग्री सेल्सियस मीन आ गया। नाउ मोड या मीडियन, लेकिन मोड तो कैलकुलेट नहीं होगा, अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो हमें मीडियन ही कैलकुलेट करना होगा। नाउ मीडियन, मीडियन के लिए पहले हमें एम क्लास कैलकुलेट करना होगा। सो एम क्लास इज इक्वल्स टू एन डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। नाउ एन 60 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, सो 60 डिवाइड बाय 2 30th ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर क्या लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आपको पूरा लिखना है। रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को रेफर करना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। सो 4 प्लस 14 18, 18 प्लस 20 38, 38 प्लस 14 52, 52 प्लस 5 57 प्लस 3 60। नाउ रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 30 कहाँ पर आएंगे हम वो देखेंगे। सो 30 आ रहा है 38 में, सो उसके सामने जो क्लास है वो होगा हमारा, देयरफोर एम क्लास इज 5 डिग्री सेल्सियस टू 11 डिग्री, ये हो गया हमारा एम क्लास। अब हमने यहाँ पर एम क्लास कैलकुलेट कर लिया, नाउ एम कैलकुलेट करेंगे। सो एम कैलकुलेट करने के लिए एम इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू सी। नाउ एल, एल दैट मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, जो क्लास हमने सिलेक्ट किया है उस क्लास की लोअर लिमिट, दैट मीन्स 5 प्लस एन अपॉन 2, ऑलरेडी हम करके आए हैं 30, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जो क्लास हमारा सिलेक्ट हुआ है उस क्लास की प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 18 डिवाइड बाय एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, जो क्लास हमने सिलेक्ट किया है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 इंटू सी क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल जो हमारा क्लास है 5 टू 11 उस बीच में इंटरवल कितना है, तो वो है 6। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो 5 प्लस 30 माइनस 18 तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 20, सो 5 प्लस 12 इंटू 6 72 डिवाइड बाय 20, सो 5 प्लस 72 डिवाइड बाय 20 3.6, सो फाइनली 3.6 प्लस 5
8.6 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा मीडियन। सो मीन आया है 9.5 डिग्री सेल्सियस, मीडियन आया है 8.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर एंड रूट। सो नाउ एफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, एफ एक्स इंटू एक्स एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई करना है हमें 2 इंटू 8 बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 16, 2 इंटू 28 56, 8 इंटू 160 1280, 15 इंटू 210 3150, 21 इंटू 105 2205 एंड 25 इंटू 75 1875 एंड फाइनली टोटल होगा 8582 डिग्री। नाउ वैल्यूज रखेंगे सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 8582 डिवाइड बाय एन, एन की वैल्यू है 60, माइनस सिग्मा एफ एक्स 570 डिवाइड बाय 60 स्क्वायर एंड रूट। सो नाउ 8582 डिवाइड बाय 60 आंसर आ जाएगा 143.03 माइनस 570 डिवाइड बाय 60, सो आंसर है 9.5 इंटू 9.5 तो स्क्वायर हो जाएगा 90.25 रूट। सो 143.03 माइनस 90.25 तो ये आंसर आ जाएगा 52.78 रूट, तो 7.27। अब ये देखिए 7.27 कैसे हो गया, ध्यान से समझिए। 7.2 डिजिट देखेंगे तो वो है 26, तो हमें थर्ड एंड फोर्थ डिजिट देखना है, तो थर्ड एंड फोर्थ डिजिट भी देखिए एग्जैक्ट बॉर्डर पर है 49। सो हम फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट देखेंगे, सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट है 84। अगर यहाँ 50 से ज़्यादा है तो यहाँ 1+ हो जाएगा, तो ये 84 की जगह 50 हो जाएगा और ये 50 की जगह यहाँ 27 हो जाएगा। पॉइंट में 7.26 भी लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं हो जाएगा, माइनर सा डिफरेंस आएगा, रॉन्ग तो नहीं होगा। सो 7.27 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें कैलकुलेट करना है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। सो 3 इंटू मीन, मीन की वैल्यू है 9.5 और मीडियन है 8.6। सो 9.5 माइनस 8.6, 9.5 माइनस 8.6 इंटू 3 तो स्क्यूनेस हो जाएगा 2.7। ये हो गया स्क्यूनेस, ये भी डिग्री सेल्सियस लगा देंगे ऊपर। एंड नाउ कॉफिशंट ऑफ स्क्यूनेस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो 3 मीन, मीन की वैल्यू है 9.5 माइनस मीडियन 8.6
डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 7.27. नाउ 9.5 माइनस 8.6 इंटू 3 ऊपर करके आए हैं हम 2.7 डिवाइड बाय 7.27, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 2.7 डिवाइड बाय 7.27, तो यह है 0.37. यह है कॉफिशंट ऑफ स्क्यूनेस। और क्वेश्चन में हमें टाइप पूछा गया था, टाइप ऑफ स्क्यूनेस, तो टाइप क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या पूरा लिखना है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया। मैं वंस अगेन बता दूं, क्वेश्चन 6 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, सेम टू सेम करना है, मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में करोगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे 9712342616 इस नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कीजिए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ये है फर्स्ट पेज, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे वो भी इजी रहेगा। ये है सेकंड पेज, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये स्क्यूनेस। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहां ही पूरा हुआ। साथ में आप क्या एक्सरसाइज 5.1 भी पूरी हो गई, एक्सरसाइज 5.1 अब आपकी पूरी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। सो यहां तक आपका एक्सरसाइज 5.1 कार्ल पियर्सन्स मेथड पूरा हो गया। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करवाऊंगा 5.2, उसमें हम बॉलिस मेथड देखेंगे। सो ये सब यहाँ पर ही पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।